अंतर्राष्ट्रीय संगमणि वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तामा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष वास्तुकला में ही उत्कृष्ट नहीं था, अपितु तकनीकी के अन्य संसाधनों के उपयोग में भी अग्रणी रहा है। इसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं जो आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रमाण करीब 100 वर्ष पूर्व हिमालय की वादियों में मिले थे, जिनका रहस्य बना हुआ है। पत्थर से बनी यह रहस्यमय कृतियां 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बयानकारा उला की एक गुफा में मिली थी। देखने में ये सभी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह गोल और रिकॉर्ड की तरह इन पर खांचे भी बने हुए हैं, जो किसी तरह का संकेत होने का आभास कराते हैं। इनकी संख्या भी 1, 2, 10, 20 नहीं, 716 है। इतनी संख्या में पत्थर के ये रिकॉर्ड तिब्बत की इन गुफाओं में कैसे आए और किसने इन्हें बनाया, इन सवालों का स्पष्ट जवाब आज तक नहीं मिल सका है। पत्थरों के बने ये रिकॉर्ड पुरातत्वविदों के अनुसार करीब 12,000 वर्ष पुराने हैं। पुरातत्वविदों ने इन पत्थरों पर शोध किया है। उनका मानना है कि अगर एकाध पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोग भी हो सकता था, पर इनकी संख्या सैकड़ों में है और सब एक जैसे और सबके बीच में छेद है। सब पर ग्रूव्स भी हैं। धूल से सने इन पत्थरनुमा आकृतियों की पहले सफाई कर धूल अलग की गई और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तब बड़ी हैरानी हुई। उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही थी। हालांकि रूस के बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जियव ने वर्षों तक मेहनत कर यह प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकॉर्ड ही। किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनर्जीवित हो सकेंगे यह अभी तय नहीं हो सका है। अब तक यह राज भी नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकेंगे। खोजकर्ताओं ने यह काफी तलाश किया, लेकिन रिकॉर्ड जिस यंत्र पर लगाया जाता होगा वह यंत्र खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड नुमा इन पत्थरों को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। कुछ विशेषज्ञों ने इन रिकॉर्ड नुमा पत्थरों पर उकेरित लिपि को समझने का दावा भी किया है, जिसमें इन पत्थर नुमा रिकॉर्ड को दूसरे ग्रह से लाया जाना बताया गया। हालांकि इसकी प्रामाणिकता के लिए कोई सटीक तथ्य सामने नहीं आया है। इस कारण यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों ने ही इन्हें बनाया होगा और यह भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण है कि उनके पूर्वजों ने वास्तुकला के साथ प्रौद्योगिकी में भी महारत हासिल कर ली थी और ऐसे यंत्र का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व कर लिया था, जिसके माध्यम से ध्वनि का आनंद उठाते होंगे। श्रुति अनुश्रुति। महान सम्राट विक्रमादित्य ने शौर्य और पराक्रम से बृहत्तर भारत का विस्तार किया। वहीं अपनी भक्ति भावना और तप से देवी देवताओं को प्रसन्न किया और उज्जैनी की पावन धरा पर उनका वास कराया। सम्राट विक्रमादित्य की इसी भक्ति भावना और तप के अनेक किस्से भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर सुने और सुनाए जाते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध विरात्रा धाम को स्थापित करने के लिए विक्रमादित्य की गाथा गाई जाती है। यह विख्यात तीर्थ स्थल पश्चिम राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के ढोक गांव की सीमा में रेगिस्तान के काले भूरे पहाड़ों एवं बालू रेत के विशाल टीलों के मध्य में स्थित है। विरात्रा धाम की मुख्य चमत्कारी देवी वाकल माता की उत्पत्ति के संबंध में बताया जाता है कि यह सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी की गोद पुत्री विरात्री हैं, जिन्हें वक्राई माँ, माँ वक्रांगी, माँ वाकल, माँ वाकुल, माँ विरात्रा, माँ वाकल देवी के नाम से पूजा जाता है। विभिन्न भागों में माताजी के मंदिर एवं पूजनीय धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद शकों के अत्याचारों को मिटाने, उन पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। विजय की इस खुशी में सम्राट अपने नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ कर माहिंगलाज की यात्रा पर गए थे। वहां विक्रमादित्य ने अनवरत माहिंगलाज की साधना भक्ति की, जिससे देवी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई और सम्राट विक्रमादित्य के सम्मान पूर्वक व्यवहार, विवेक, विनम्रता से प्रभावित होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा नाम सदियों तक इतिहास में न्यायप्रिय शासक के रूप में विख्यात रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक देवी माँ से नित्य दर्शन देने की अभिलाषा प्रकट की। माँ हिंगलाज ने कहा, मैं इस शक्तिपीठ को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर मैं शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम मुझे शक्ति स्वरूप में ले जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। यदि ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ उज्जैन तक नहीं जा पाऊंगी। देवी माँ के वचन का पालन करते हुए सम्राट विक्रमादित्य हिंगलाज शक्तिपीठ से देवी शक्ति की प्रतिमा को अपने साथ लेकर उज्जैन के लिए चले। रास्ते में सभी जगह शक्ति प्रतिमा के दर्शन करने जनसैलाब उमड़ पड़ा। सम्राट विक्रमादित्य का शाही काफिला रास्ते में बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के निकट बिजराड़ व घोनिया के बीच पहाड़ी नुमा विशाल रेतीले टीबे पर विश्राम के लिए रुका। चौहटन से सुबह सम्राट विक्रमादित्य अपने सैनिक बल के साथ मां शक्ति मूर्ति को लेकर प्रस्थान करने लगे, तब अचानक उन्हें दिशा भ्रम हो गया और भूल से उन्होंने पीछे मुड़कर हिंगलाज की तरफ देख लिया। इस पर आकाशवाणी हुई और हिंगलाज देवी माँ ने कहा, हे राजन, आपने हिंगलाज की ओर मुड़कर देखा है, जिससे मेरा वचन पूरा हुआ और अब मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहाँ भूरा भाकर की चोटी पर रहकर यहाँ उत्पात मचाने वाले राक्षसों का विनाश करूंगी। सम्राट विक्रमादित्य ने जब शक्ति माता श्री हिंगलाज के मुख से यह वचन सुने तो वे अवाक रह गए और हताश में चले गए, किंतु देवी के वचनानुसार सम्राट ने अपने साथ लाई शक्ति प्रतिमा को जमीन तल से लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर श्रद्धापूर्वक भव्य धार्मिक उत्सव के साथ वहीं पर स्थापित कर दिया। तब से यह भूरा भाकर, जिसके पाषाणों का रंग हिरण की तरह होने के कारण हिरण भाकर नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन विक्रमादित्य द्वारा रात्रि विश्राम के कारण विरात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज विरात्रा धाम के रूप में श्रद्धालु भक्तों का भव्य धार्मिक स्थल बन गया है। सभ्यता के विकास क्रम में पुर को मील का पत्थर माना जाता है। पुर का ही पर्याय नगर है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्थिति और महत्व के आधार पर इसके कई भेद मिलते हैं, जैसे पत्तन, पुटभेदन, खेटक, खरवटक, दुर्ग आदि। आरंभिक सरल जीवन के बाद जब आर्यों में शिक्षा, आराधना, व्यवसाय आदि का विकास हुआ तो इन कामों में लगे लोगों का एक स्थान पर निवास आवश्यक हो गया। इसी आवश्यकता ने ग्राम प्रधान सभ्यता को पुर या नगर प्रधान बनने की प्रेरणा दी। किसी राजा की राजधानी अथवा शिक्षा संस्था ने इसका आकार और भी बढ़ा दिया। महात्मा बुद्ध के समय के राजगृह साकेत, वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, उज्जैनी, वैशाली आदि ऐसे ही पुर या नगर थे। जब वणिकों ने व्यवसाय के लिए स्थायी आवास और दुकानें बनाई तो वहाँ की सुविधाएं देखकर आसपास के गाँव भी उनसे जुड़ गए और पुर का विकास हो गया। यद्यपि पुर और नगर परस्पर पर्याय हैं, फिर भी प्राचीन साहित्य में पुर का प्रयोग विशाल नगर के लिए होता था, जैसे त्रिपुर, महापुर आदि। अक्षर अनन्य में दो पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक की किताब है वेद विज्ञान आलोक, और दूसरा उनके जो शिष्य हैं विशाल आर्य, उनकी है वैदिक भौतिकी। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जो भीमनाल राजस्थान में निवास करते हैं का एक विशद शोध कार्य वेद विज्ञान आलोक प्रकाशित हुआ है। यह महर्षि ऐत्रेय महिदास द्वारा प्रणीत ऐत्रेय ब्राह्मण की वैज्ञानिक व्याख्या है। आप आश्चर्य करेंगे की इस गूढ़ विषय पर लगभग 6,500 पृष्ठों की सामग्री आपने 4 वॉल्यूम में निबद्ध की है। इन पुस्तकों में जो ज्ञान है और ख़ास करके वेदों में जो विज्ञान की जो गंभीरता है और किस तरह से वो आधुनिक विज्ञान की समस्याओं को भी सुलझाने का काम करता है, ये इस पुस्तक में सामने आया है। महर्षि ब्रह्मा से लेकर स्वामी दयानंद पर्यंत आर्ष परंपरा के गूढ़ तत्वों को खोजने का प्रयास आचार्य अग्निव्रत ने किया है। आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक द्वारा वेद की प्रमाणिकता, सृष्टि विज्ञान, वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरूप, आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी, कास्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, प्लाज्मा फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी संबंधी अनेक वास्तविक समस्याओं का आश्चर्यजनक समाधान और ख़ास करके वैदिक समाधान प्रस्तुत किया है। इस वृद्धाकार अध्ययन में वैदिक सैद्धांतिक भौतिकी की बहुत सी बातों को सामने रखा गया है जो भविष्य में अनेक अनुसंधानों के लिए दिशा निर्देश कर सकेगा। मेरा मानना है कि आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक का वेद विज्ञान आलोक अध्ययन अध्यात्म विज्ञान पर केंद्रित अत्यंत मूल्यवान दिशा निर्देश है। क्योंकि वेद विज्ञान आलोक का विषय अत्यंत गूढ़ और गंभीर है, इसलिए आचार्य अग्निव्रत के शिष्य विशाल आर्य ने वैदिक भौतिकी पुस्तक की भी रचना की है। वैदिक भौतिकी एक तरह से वेद विज्ञान आलोक की कुंजी है। वेद विज्ञान आलोक को देखने के पहले यदि आप वैदिक भौतिकी को देखते हैं तो आप वेद विज्ञान आलोक के लिए आपको ज्ञान के दरवाजे गलियारे खुल जाते हैं। ये दोनों पुस्तकें अग्निव्रत जी की और विशाल आर्य की बहुत ही मूल्यवान किताबें हैं। इनका प्रकाशन भी बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ है जो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से उनकी तुलना की जा सकती है। और मेरा निश्चित रूप से मानना है कि बहुत सारे हमारे जो समस्याएं हैं उनके रास्ते, उनके समाधान शायद हमको मिल सकें और दुनिया के लोगों को भी मिल सकें। धन्यवाद। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।